हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो चलिए बात करते हैं हम एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में जो कि आपने काफ़ी सारे यूजेस भी किए होंगे और काफ़ी सारे उस इंजेक्शन के बारे में सुना भी होगा। काफ़ी सारे कमेंट्स भी थे मेरे पास कि अगर वो इंजेक्शन रिएक्शन कर जाता है तो आप क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर क्लोकेन स्वागत करता हूँ आपका फिर से इस नए टॉपिक में। और टॉपिक है हमारा, अगर फिनरमाइन इंजेक्शन रिएक्शन कर जाते तो आप क्या करेंगे, यानी कि जो एविल इंजेक्शन है। काफ़ी सारे कमेंट्स थे, अगर एविल इंजेक्शन रिएक्शन कर जाता है तो आपको क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा इंजेक्शन है कि 90.9.9% इसके रिएक्शन होने के चांसेस नहीं होते। दूसरी बात, ये ऑलरेडी एक इतना हाईली इंजेक्शन है, इतना हाईली ड्रग है इसके अंदर, जो फिनरमाइन होता है वो इतना हाईली ड्रग होता है कि वो ऑलरेडी साइटोकेन्स एंड जो अदर स्ट्रक्चर्स हैं, जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वहाँ पर ऑलरेडी जो इन्फेक्शन या जो रिएक्शन करने वाले केमिकल्स हैं उनको स्टॉप करता है। ऑलरेडी ये इसकी खासियत है। तो यहाँ पर चांसेस बहुत 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 कम होते हैं कि वो इंजेक्शन रिएक्शन करे। अगर मान लीजिए फिर भी रिएक्शन कर जाता है तो आप क्या करेंगे। देखिए, अगर वो रिएक्शन करता है तो ये हाई सीवियरिटी ऑफ डिसीज होगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो जो डिसीज है या फिर वो कंडीशन है, वो एक ऐसी कंडीशन होगी जिसे आप ना तो घर पर हैंडल कर सकते हैं ना क्लिनिक पर हैंडल कर सकते हैं। वो जाएगा सीधा हायर सेंटर के लिए। हायर सेंटर यानी कि बड़े हॉस्पिटल्स में हम ऐसे पेशेंट को रेफ़र कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। अगर एविल इंजेक्शन ही रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन ही रिएक्शन कर रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में आपको क्या करना होता है, ऑलरेडी ऐसे पेशेंट को हायर सेंटर रेफ़र कर देना चाहिए। एंड ऐसे पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत आप नहीं दे सकते हैं या ऐसा ट्रीटमेंट आपको नहीं देना है। दूसरी बात, कई पेशेंट्स का ये था कि कई कमेंट्स ये थे कि ब्लड प्रेशर क्यों कम होता है। देखिए, ब्लड प्रेशर कम होने के चांसेस क्या होते हैं, क्या कारण है उसके। देखिए, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है कोई सोडियम कम ले रहा हो, या हो सकता है कि उसकी डाइट कम हो, या माल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है। जैसे पेशेंट डाइट वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं लेता हो तो कभी कभी बीपी भी उनका कम चला जाता है, या शौक, एक शौक होता है, जैसे कभी अच्छी खबर सुन ली या किसी को ज़्यादा दुख हो गया, उसकी वजह से भी कभी कभी पेशेंट शौक में चला जाता है, बेहोश हो जाता है और पेशेंट को ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाता है, उसे हम कहते हैं न्यूरोलॉजिक शॉक। ओके, कई अदर कंडीशंस भी हैं, या फिर उसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या उसको हो सकता है डायरिया या डिहाइड्रेशन हो। डायरिया यानी कि जैसे सीवियर उसको स्टूल पास आउट हो रहा हो, डिफिकेशन हो रहा हो, पतले ज़्यादा पानी पानी स्टूल उसको पास आउट हो रहा हो, या फिर हो सकता है उसको एक्सेसिव उल्टियाँ हो रहा हो, ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हो। ठीक है, ऐसी कंडीशंस में भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशंस को आप कैसे हैंडल करेंगे, तो वहाँ पर फ्लूड रिप्लेसमेंट रहता है। पेशेंट को फ्लूड कितना रिप्लेसमेंट करना है वो आप वुक से क्लियर कीजिएगा। एंड फ्लूड कौन सा रिप्लेसमेंट करना है, जैसे रिंगर लैक्टेड है, अगर डिहाइड्रेशन की वजह से है तो रिंगर लैक्टेड देना है। मान लीजिए किसी किसी पेशेंट में क्या होता है, इंसुलिन देने की वजह से उस पेशेंट का बीपी कम हो जाता है, शॉक में चला जाता है, पेशेंट बिल्कुल बेहोश हो जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या करना होगा, देखिए, अगर आप इंसुलिन ज़्यादा देते हैं तो पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होगी। इंसुलिन ज़्यादा देंगे तो जो उसके अंदर बॉडी के अंदर ग्लूकोज जितना है वो ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो जाएगा और बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा लेवल जो है वो कम हो जाएगा। ऐसी कंडीशंस में आपको ग्लूकोज की मात्रा देनी पड़ेगी, या तो ओरल दीजिए, अगर ओरल पेशेंट नहीं इंटेक कर सकता है, नहीं ले सकता है, तो उसको ड्रिप के माध्यम से हमें उसको ग्लूकोज देना पड़ेगा, D10 D5 ऑलरेडी ये इस तरह की ड्रिप्स हमें देनी पड़ेंगी। तो ये था आज जनरल इन्फॉर्मेशन इंजेक्शन के बारे में, स्पेशली कि इंजेक्शन अगर रिएक्शन करता है तो क्या है। देखिए, नॉर्मली वो इंजेक्शन रिएक्शन नहीं करता है, अगर करता भी है तो डेक्सामेथासोन एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन इस टाइप के इंजेक्शन भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को पक्का समझिए वो इंजेक्शन रिएक्शन नहीं करता है। फिर भी हो सकता है कर जाए किसी किसी में, तो इसके लिए आपको ऑलरेडी हायर सेंटर से या विदाउट डॉक्टर के कंसल्टेशन के कोई भी मेडिसिन यूज नहीं करनी है। सो गाइस, चलते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, एंड कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।